हे बच्चो, यस। सो गाइज, एक बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट, बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट आईसीएसआई ने अपने वेबसाइट पे डाली है। आप कह सकते हो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स के लिए जो सीएस बन चुके हैं और जिन्होंने समझो अभी फ्रेश सीएस बने हैं या एक साल या दो साल का उनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आ चुका है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हम उन्हें कहते हैं। बच्चों, उन्हें डायरेक्टली एमसीए के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। उनका एक मानेसर ब्रांच है जहाँ पे सीआरपी जो रेगुलर फाइलिंग होती है, बच्चों कंप्यूटर बेस्ड फाइलिंग जो आप जानते हैं एमसीए किया जाता है, बाइक रिलेटेड, रन रिलेटेड, रिजर्व योर नेम, रिजर्व कंपनीज नेम और एमसीए रिलेटेड जो एमसीए का बैकएंड काम करता है, इस पे इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन दिया। करीब करीब 50 पोस्ट हैं जो मानेसर के लिए, यानी गुड़गांव में होगा, हरियाणा में। आप वहां पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है और उन सभी बच्चों को मजा। देखो, पहली बार तो पे स्केल भी बहुत अच्छा है इसमें, 33 मिनिमम 40,000 तक है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखिए एक्सपोजर मिलता है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, एक आपके फ्यूचर के लिए जो आप नीट लोगे या आगे जाके अच्छी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपके पास ये एक्सपोजर होगा मिनिस्ट्री के अंदर काम करने का, बहुत बड़ा होगा। और ऑब्वियसली रेमुनरेशन आल्सो फेयर इनफ बिकॉज जस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस और 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो बच्चों, एक बच्चों का क्वालिफिकेशन है, सीएस बन चुके हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके लिए अटैच कर देता हूँ। इसमें वही बात है कि आप मिनिमम सीएस होने चाहिए और मेरे मेंबर हो जाने चाहिए। एज वाली बात बहुत प्यारी, 31 ईयर्स का इन्होंने एज का कंडीशन दिया, जो कि ऑब्वियस बात है एक फेयर है, क्योंकि आप जब मेंबर बनते हो 23-24 मैक्सिमम, या कभी कभी थोड़ा आगे हो जाता है, बट वो 31 के अंदर ही होता है। और बच्चों, इसमें और दो तीन बातें लिखी, अगर आपके पास कोई पीजी है पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री तो भी आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ 2 ईयर्स। अगर 1 ईयर भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? दैट इज द कंडीशन एवरीवन। तो डू एंजॉय एंड एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंस कम आते हैं, पोस्ट भी काफी है, 50 पोस्ट है, तो काफी सारे बच्चों को चांस मिलेगा इस तरीके एक लेवल पे काम करना, मिनिस्ट्री के साथ काम करना। समझे, एक तरीके का गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है ये। मैं रिपीटली बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, बट ये ऐसा ही होता है बच्चों, पहले एक साल फिर दो साल और आगे जब आपको इस तरीके के काम जब मिलते हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत 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 बड़ा लेवल का हो जाता है। तो अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, और एंजॉय कीजिए इस अपॉर्चुनिटी का, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे इंस्टीट्यूट में। और बच्चों, इसमें साफ साफ लिखा है कि सीएस को ही ये मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए। नोटिफिकेशन इसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ, साथ में देख लीजिए, कोई क्वेरी डाउट हो पूरा डिटेल करिकुलम लिखा हो, भैया कैसे अप्लाई करना है, क्या होगा जॉब प्रोफाइल एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बातें लिखी हुई है। काम आपके प्रोफेशन रिलेटेड है, आपके पोर्टफोलियो का है। सो ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।